हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं आशीष टॉटम। चलिए देखते हैं कि जो हमने बीटीएसटी सॉरी एसटीबीटी ट्रेड जो हमने उठाया था, उसमें हमने 30,300 रुपीज प्रॉफिट कमाया। ये कैसे हमने कमाया? मंडे को हमने रात को सॉरी मंडे को हमने 3.15 पे ये ट्रेड उठाया था, और लगभग आज सुबह जब खुला, आज पूरे दिन के बाद हमने इवनिंग में 3.15 पे हमने सेल कर दिया, तो लगभग हमने कमाया है 13,322 रुपीज हमने कमाया है। ये देख लीजिए, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ, ये लीजिए, यस। तो 13,322 रुपये हमने कमाए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये समझते हैं। जैसे कि हमने एनालिसिस किया था, मार्केट एक इस टाइप का प्राइस एक्शन पैटर्न बना के नीचे जा रहा है, तो हम ट्रेड क्या लेंगे, मतलब ट्रेंड क्या है। और ट्रेंड बताया था, अगर हम अपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो जाके पिछली वीडियो देखे, उसमें हमने बताया था कि साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, तो हमें एक बेरिश साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड ऐसा कुछ उठाना है, मतलब उठाएंगे, कोई उठाएंगे नहीं सॉरी, ऐसा कोई ट्रेड हम बनाएंगे। तो जैसे कि मंडे हमने देखा कि एक मैसिव गैप डाउन के साथ इसने लगभग एक ओपनिंग दिया मंडे को, और एक लगभग डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया था। लगभग यहाँ पे एक डोजी टाइप का कैंडल हम मान लेते हैं क्रिएट किया था मैसिव गैप डाउन के साथ। अभी का जो मार्केट का सिचुएशन है, उसमें बहुत ज्यादा गैप डाउन हो रहे हैं। ये देखिए, एक ये देखिए, बहुत ज्यादा हाई हाई गैप डाउन। इससे इतना गैप डाउन शायद ही पहले कभी होता था, लेकिन इस साल 2022 में बहुत ज्यादा गैप डाउन वाला मार्केट है, जिसका कोई हद नहीं है, इतना गैप डाउन है। तो गैप डाउन को हमने कैसे सर्वाइव किया, पूरे ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा, देखते रहिए मेरे साथ। जैसे कि तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया कि गैप डाउन के डर की वजह से मैंने भी सोच में लग गया कि नेकेड सेलिंग वगैरह कैसे करो। हाँ, और एक रीजन दूसरा था इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का रीजन था, उस दिन इंडिया विक्स मैसिव गैप डाउन की वजह से इंडिया विक्स बहुत बढ़ गया था। इस लाइन पे लगभग 21 के 21 के आसपास इंडिया विक्स पहुंच गया था। और जैसे मैंने इंडिया विक्स के शॉर्ट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, इंडिया विक्स अगर बढ़ता है तो बता देता हूँ आई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऑप्शन के प्रीमियम के आई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो मैं इसका फायदा उठाना चाहता था। लगभग 3 कितने बजे, लगभग हाँ 14-15, यस 15-20 के आसपास एक ब्रेकडाउन दिया था अपना इंडिया विक्स। अब इंडिया विक्स का लॉजिक में समझा देता हूँ। इंडिया विक्स का आप जानते हैं एक फेयर इंडेक्स है, इंडिया विक्स अगर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है तो ऑप्शन के प्रीमियम फेयर की वजह से बढ़ जाता है, तो मैं इसका फायदा उठाना चाहता था कि मुझे एक हाई प्रीमियम सेल करना चाहता था, हाई प्रीमियम स्ट्रेटल या स्ट्रेंगल सेल करना चाहता था, लेकिन मार्केट के गैप डाउन और गैप अप के डर की वजह से मैं सेल नहीं कर पा रहा था। इसका कुछ मुझे मतलब सॉल्यूशन ढूंढना था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जरा आप इस RSI को देख सकते हैं एक बार, यहाँ पे RSI एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया था, मतलब RSI जो है इसका जो मोमेंटम है वो लूज कर रहा था, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन सॉरी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया, लगभग ब्रेक कर दिया लगभग 3:25 पे। तो मैं एक हाई स्पीड डीके खाने के लिए एसटीबीटी ट्रेड उठाया। क्या उठाया, 16,000 का एक पीई बाइक सॉरी सेल किया, और 18,300 का एक सी सेल किया। और ये कितने लगभग निफ्टी जून मंथ जून का आज से लगभग कहाँ कहाँ का, मैं एक बार दिखा देता हूँ चार्ट पे। 18,300, यस हाँ 18,300 एंड यहाँ पे 16,000, तो थोड़ा ऊपर नीचे है। तो इतना लंबा मैंने एक स्ट्रेंगल सॉरी क्या बोलते हैं स्ट्रेंगल, इतना बड़ा मैंने एक स्ट्रेंगल क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि सिर्फ गैप डाउन और गैप अप की वजह से, और मुझे प्रीमियम खाना था हाई स्पीड, मतलब प्रीमियम डी के मुझे हाई स्पीड वाला चाहिए था। रात का थोड़ा बहुत थीटा डीके और वेगा ड्रॉप, मतलब वेगा का जैसे अगर हमारा जो इंडिया विक्स डाउन साइड जाता है तो वेगा ड्रॉप का हमें फायदा उठाता है। तो बेसिकली मैंने इंडिया विक्स के ऊपर ये ट्रेड उठाया था कि इंडिया विक्स जो है वो डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया, मतलब कि मार्केट कैसे ना कैसे दूसरे दिन अपसाइड जाने का एक पोटेंशियल
प्रोबेबिलिटी है, ये मेरा एक मानना था। या तो गैप अप हो सकता है या अपसाइड जाने का, फ्लैट पुल का अपसाइड जाने का एक चांसेस है, क्योंकि ट्रेंड इसका जो मीन है ये लगभग इस एरिया पे, सॉरी मैं इन मार्क्स को थोड़ा हटा देता हूँ एक मिनट, जो ये ट्रेंड लाइन के साथ जा रहा है, जैसे यहाँ जो ट्रेंड लाइन के साथ जा रहा है कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, तो लगभग इस एरिया में गैप अप गैप डाउन खुला है। तो यहाँ पे मैंने एक उम्मीद किया था कि इससे मीन रिवर्सल होगा, ऊपर जाएगा, वेगा ड्रॉप होगा और मेरे को एक हाई स्पीड डीके खाने का मौका मिल जाएगा। तभी मैंने एक इतना बड़ा, और ताकि मेरे को गैप अप गैप डाउन का असर ना हो, इसीलिए मैंने दो मंथ फार, मतलब फार मंथ का एक, फार मंथ का दो स्ट्रैंगल सेल किया, 18,300 का, 16,500 का, और चुपचाप बैठ गया। दूसरे दिन सुबह होते ही गैप अप खुल गया, सुबह सुबह मेरे को 11,000 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने नहीं बेचा। मैं बोला लगभग डे अंत तक देखते हैं क्या होता है, और वैसे ही हुआ। इसका जो आईबी था, सॉरी विक्स था, वो क्रैश हो गया, उसके साथ आईबी भी वहां पे क्रैश हो गया होगा। लगभग पूरे दिन इंडिया विक्स जो है वो साइड विक्स रहा, और मेरा थोड़ा बहुत थीटा डीके होने की वजह से मैंने आज 13,300 का प्रॉफिट निकाल लिया। ये सिर्फ हुआ दो ग्रिक्स की वजह से। मैंने दो ग्रिक्स, अब बोलते ग्रिक्स समझ में नहीं आता, ग्रिक्स बहुत आसान है, बस इसके जो मोटे मोटे हिसाब लगा के लोगों ने इनको कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। आपको हिसाब नहीं समझना, आपके ग्रिक्स को यूज को समझना है। अगर आपको ग्रिक के यूज को समझना चाहते हो तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं ग्रिक्स का सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि ग्रिक्स का यूज कैसे करते, ऑप्शन ग्रिक्स का यूज कैसे किया जाता है, थीटा डीके वेगा रो सबका यूज किया जा सकता है ट्रेडिंग में, सबका यूज करके आप पैसे बना सकते हो। एक जन आपके अगर वीडियो, मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए।